कर्नाटक की सत्ता पर येदियुरप्पा काबिज रहेंगे या नहीं, इसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां बीजेपी अब भी दावा कर रही है कि वो बहुमत साबित करके दिखाएगी, तो वहीं कांग्रेस ने तो येदियुरप्पा को केवल 3 दिन का सीएम पुकारना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत साबित करने के फैसले से जहां कांग्रेस के नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं बीजेपी के माथे पर शिकन आ गई है। बीजेपी बेचैन है कि वह बहुमत के लिए 8 विधायकों को कहां से लाएगी। कहीं येदियुरप्पा केवल 3 दिन के सीएम ही बनकर ना रह जाएं। हालांकि सीएम येदियुरप्पा ने दावा किया है कि वो कल शाम को बहुमत साबित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी सरकार को बचाए रखने की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जहां बीजेपी बेचैनी के बावजूद जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी दावा किया है कि कल बीजेपी का सच सबके सामने आ जाएगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे, अभी तक जो हुआ वो गलत है, कर्नाटक में बीजेपी ने संविधान का गला घोटा है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि येदियुरप्पा कल तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, कल येदियुरप्पा की सरकार गिरेगी, येदियुरप्पा केवल कुछ ही घंटों के सीएम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गवर्नर वजूभाई वाला के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ राज्यपाल संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के साथ साथ जेडीएस ने तो येदियुरप्पा का इस्तीफा ही मांग लिया है। जेडीएस के प्रवक्ता दानिश अली ने कहा है कि येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे देंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।